नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के दौरान कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या 1621 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जारी सूची में इसकी जानकारी दी गई है। इसके पहले संघ ने 28 अप्रैल को सूची जारी करते हुए कोरोना संक्रमण से 706 शिक्षकों कर्मचारियों की मौत होने की जानकारी दी थी। दरअसल संघ ने 16 मई को मुख्यमंत्री को ये सूची भेजते हुए चुनाव ड्यूटी में गुजरे हुए सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, उनके परिजनों को नौकरी दिए जाने समेत 8 मांगे की हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो सूची जारी कर दावा किया है उसके मुताबिक प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1621 शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इन सभी लोगों ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी की थी। इस सूची में जान गंवाने वाले शिक्षक के नाम, उनके विद्यालय के नाम, पदनाम, ब्लॉक और जनपद का नाम, मृत्यु की तिथि और दिवंगत शिक्षक के परिजन का मोबाइल नंबर भी दिया गया है। आपको बता दें, इस सूची के मुताबिक सबसे अधिक आजमगढ़ जिले में 68 शिक्षक कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। गोरखपुर में 50, लखीमपुर में 47, रायबरेली में 53, जौनपुर में 43, इलाहाबाद में 46, लखनऊ में 35, सीतापुर में 39, उन्नाव में 34, गाजीपुर में 36, बाराबंकी में 34 शिक्षक कर्मचारियों की मौत हुई है। गौरतलब है कि प्रदेश के 23 ऐसे जिले हैं जहां 25 से अधिक शिक्षक कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के मुताबिक हाईकोर्ट ने भी माना है कि इन शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इनके परिवार में जो आश्रित DLED या BED की योग्यता रखता है उसे TET से छूट देते हुए शिक्षक के पद पर तुरंत नियुक्त किया जाए, वहीं बाकियों को क्लर्क के पद पर नियुक्ति दी जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।